नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सऊदी जैसी कंट्री में नशे का कारोबार करने वालों की क्या सजा हो सकती है, और खास तौर से हेरोइन का तो मुझे लगता है मौत की सजा तय है। जी हाँ, क्योंकि भाई सऊदी है, आपको पता है सऊदी में हेरोइन का जो सबसे खतरनाक नशा होता है हेरोइन का। जी हाँ, दो लोगों को पकड़ा गया। जी हाँ, दो लोग कौन थे बता दूँ, डिटेल से बात करेंगे। दो इंडोनेशिया के लोगों को पकड़ा गया है, 11 महिलाओं को उन्होंने पनाह दी थी। अब 11 महिलाएं वो कौन सी थी, वहाँ पे वो भगोड़ा थी, उनको उन्होंने पनाह दे दी। तो आप लोगों को इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी का सोचते हैं चलो इसकी हेल्प कर देते हैं, अपना क्या जाता है, बेचारा ऐसे परिस्थिति का मारा है, लेकिन वो परिस्थिति का मारा फिर आपको फंसा सकता है। इससे डिटेल से आपको जानना ज़रूरी है कि आपको किसी की भी हेल्प करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, ताकि वरना आप अच्छे के चक्कर में बुरा बन जाओ और आपको दिक्कत हो जाए, उसका सामना आपको करने की ज़रूरत है। जी हाँ, डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सऊदी का जद्दा एयरपोर्ट आपको सबको पता है, वहाँ पे कोकीन तस्करी के एक महिला को एक पुरुष को पकड़ा गया है। जी हाँ, वो लोग दूसरे देश से आ रहे थे, और उनके पहनावे से मुझे लगता है भाई अफगानी लग रहे हैं, बाकी आप उनका चेहरा नहीं दिखाया गया, पहनावे से मुझे लगा है, क्योंकि अफगानी लोग इंडिया में भी तस्करी करते हैं हीरोइन वगैरह की। जी हाँ, अभी काफ़ी 5-6 मामले आए हैं, जिनमें 3-4 से अफगानिस्तान के लोगों को पकड़ा है। अब जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पे आए, आपको पता है स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग में उनके पेट के अंदर, जी हाँ, कुछ उनको संदेह हुआ, जो कर्मचारी थे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो चेकिंग कर रहे थे, उनको संदेह हुआ कि पेट में कुछ अलग सी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उनको कुछ हलचल हुआ, तो वो पेट में उनको लगा कि कुछ अलग ही, उनको संदेह होता है, तो भाई आपको पता है एक्सरे मशीन के सामने लेके गए, तो सामने लेके गए तो आपको पता है स्कैनिंग इतने खतरनाक होते हैं कि आराम से पता लग जाता है कि इनकी पेट में कुछ है, तो पेट से निकाला। अब कैसे निकाला ये तो भाई हमें नहीं पता कैसे निकाला, लेकिन उनके बता दूं जो महिला थी उसके पेट से लगभग 683 ग्राम के लगभग 60, जी हाँ, कैप्सूल निकले हेरोइन के, कोकीन के, जी हाँ 60 यानी 60 के करीब कैप्सूल निकले उसके पेट से। और जो पुरुष था, जो मेल था, उसके पेट से बता दूं लगभग 900 ग्राम से ऊपर 80 कैप्सूल निकले कोकीन के। जी हाँ, जो पेट में डाले गए थे, आंतों के पास आसपास में छुपे हुए थे। जी हाँ, स्कैनिंग से पता लग गया, उनको कैप्सूल निकाल लिए गए और उनको पकड़ लिया गया। अब आपको पता है उनको क्या सज़ा हो सकती है भाई, मुझे ये लगता है कि अगर फांसी भी नहीं होगी तो लाइफ टाइम वो लोग वहीं रहेंगे सऊदी की जेल में, ये तय बात है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग निकल पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन पर हम बात कर लेते हैं कि 11 महिलाएँ थी वो भगोड़ी हो गई थी। जी हाँ, भगोड़ी का मतलब समझते हैं, वो भाग गई थी, दो लोग थे इंडोनेशिया, उन्होंने उनको पनाह दे दी थी, सऊदी का ये मैटर है। जी हाँ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया जो पनाह देने वाले थे। जी हाँ, अब ये भागे क्यों थे, अब आप सोचोगे यार 11 महिलाएं भागी क्यों, उनको पनाह देने से उनको कैसे पकड़ लिया गया। जी हाँ, हम बताते हैं आपको। देखिए होता क्या है कि आपको पता है आप किसी कंपनी में काम करते हैं, सबको पता ही है, तो पहले लेबर लॉ अलग होता था कि भाई ठीक है आप कंपनी छोड़ के भाग गए, काम कर रहे हो, पुलिस ने आपको पकड़ा और आपको इंडिया पैक कर दिया महीने भर जेल में रह कर, ऐसा होता था। आजकल क्या होता है कि आप आपके मालिक के मन के मर्जी के बिना अगर आप काम छोड़ के भाग जाते हो तो आपके खिलाफ़ में लीगल एक्शन होता है। अब ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि दुबई सऊदी ने कानून बना दिया, आपको पता है 2021 में, कि आप अपने मालिक को, कफील को कंपनी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, उसके आधार पर आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, भाग नहीं सकते। तो इससे रिलेटेड 11 जो महिलाएँ थीं वो कंपनी से भागी हुई थी, कंपनी ने उनके ऊपर मुकदमा कर रखा था, आपको पता है वो भाग गए यानी कंपनी से भगोड़ा हो गए, काफ़ी टाइम से भगोड़ा थे, उन्होंने दो इंडोनेशियाई जो लोग थे उनसे शरण ले ली, यानी उनके पास वो रह रही थी, उनके मकान में, उनके घर में, हो सकता है उनके पास में कोई काम कर रही होंगी, तो भाई लेबर लॉ के अनुसार ये गलत है, तो उनका पकड़ लिया गया, उनका कानून का उल्लंघन जुर्म करने के जुर्म में दोनों इंडोनेशियाई जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होगी, क्या कानूनी कार्रवाई होती है वो अगर आगे न्यूज़ आती है तो हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, बस ये दो अपडेट देनी थी भाई। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी की हेल्प करते हो, कुछ भी करते हो, तो उससे पहले 100 बार सोच लें पूरी जानकारी। हम ये नहीं कहते कि हेल्प नहीं करें, हेल्प ज़रूर करें, लेकिन कुछ सोच समझ के करें, ऐसे नहीं आँख बंद करके कर लिए, कल को पता लगे वो तो आउट है, आप अंदर हो, ये नहीं होना चाहिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।